से आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने JDK डाउनलोड कर लिया, उसका हम पाथ कैसे सेट करें अपने सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। जावा JDK इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारा जावा इंस्टॉल हुआ है। मेरा लोकल डिस्क में इंस्टॉल हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स में हुआ है, मेरा जावा JDK 15, इसमें जाएंगे बीन में। अब ये वाला पाथ हम कॉपी करेंगे, कॉपी। अब हम जाएंगे स्टार्ट पे, यहाँ डालेंगे वेरिएबल VARIABLE, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ देखेंगे, पाथ कहाँ पर है, ये रहा पाथ, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे इसे। यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन ऐड करके पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ कॉपी किया था, ये रहा सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 15 बीन, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर भी पाथ पे ये मेरा पहले से ही आ गया बना हुआ, अगर आपका ना आया हो बना हुआ तो न्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाथ PATH पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था और ओके कर देंगे। और फिर सिस्टम वेरिएबल पर दोबारा जाएंगे, यहाँ देखेंगे जावा होम, ये रहा जावा होम, मेरा तो बना हुआ है पहले से, अगर आपका ना बना हुआ हो तो न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे जावा होम। और यहाँ पर भी उसे ही पेस्ट करके जब ने वहाँ कॉपी करा था फोल्डर में ओके कर देंगे बस। फिर ओके करके फिर ओके, हमारा पाथ सेट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है जावा या नहीं कर रहा, CMD पे जाके यहाँ लिखेंगे जावा, ये ऐसे आ जाएगा तो मतलब हमारा जावा वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जावा वर्क कर रहा है।